हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जीमेल अकाउंट या फिर ईमेल आईडी मोबाइल से 5 मिनट में खुद से कैसे बनाते हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जीमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और कैसे मेल भेजते हैं ये भी सिखाऊंगी और उसके और फंक्शंस भी बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और मैं अब नेक्स्ट चालू करने जा रही हूँ कैसे आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है खुद से गूगल से। सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट। जैसे ही क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखेंगे फिर एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम accounts.google.com पे क्लिक करेंगे। accounts.google.com पे अब यहाँ पे ये खुल रहा है, ये पेज खुला जहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें फर्स्ट नेम में जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे, अपने ही नाम से जीमेल आईडी बनाएं या दूसरे के नाम से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी और यूजर नेम भी जो मैंने लिखा हुआ है मैं सेम वैसी ही थी जीमेल आईडी का यूजर नेम बनाऊंगी जो मेरा नाम है ताकि मुझे याद रखने में आसानी हो। पासवर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है यूज 8 or more characters विद अ मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल। इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको अल्फाबेट्स यूज करने हैं, कैपिटल लेटर भी, स्मॉल लेटर भी, नंबर भी और जो सिंबल्स होते हैं @ हैश परसेंटेज वो भी यूज कर, ये वो कह रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रही हूँ तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में जाऊंगी और इसी सेम पासवर्ड को जो मैंने इस पासवर्ड पे लिखा है वो ही यहाँ सेम लिखूंगी। अगर मैं सेम नहीं लिखती हूँ तो ये नेक्स्ट पे क्लिक नहीं होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ, अब ये नेक्स्ट पे जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे फोन नंबर लिखना, तो इसमें फोन नंबर में आप जो है अपना नंबर भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो अपने घर के किसी का भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं अगर आपके पास पर्सनल फोन नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे फोन नंबर लिख रही हूँ और जैसे ही मैं फोन नंबर लिखती हूँ यहाँ पर मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एक OTP सेंड होगा, वेरिफिकेशन कोड, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। आपके मोबाइल में भी आया होगा, आपको भी वो कोड लिखना है, वो 6 digit का कोड है जो आपके मैसेज में आया होगा नॉर्मल मैसेज में। और ये जीमेल का ही कोड है, कोई उसमें ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं ये सब छोड़ देंगे, उसके मंथ में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप फेक डालें, आपको वही डालना है जो आपका है। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ फीमेल सेलेक्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे ये पूछेगा तो यहाँ पे यस आई एम पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अब ये प्राइवेसी एंड टर्म्स वगैरह कुछ पूछ रहा है, इसमें आई एग्री पे क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे और ये आई एग्री पे क्लिक होने के बाद अभी आगे देखिए यहाँ पे घूम रहा है और ये चालू हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए हमारा जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट हो गया। ये देखिए ये जीमेल अकाउंट है, ये रहा यहाँ पे जीमेल अकाउंट। ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जीमेल गूगल के अदर एप्स जो गूगल ने बनाए हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेड फ्रॉम गूगल, ये रहे वो, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये है जीमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट हमने क्रिएट करना सीख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपने जीमेल में जाऊंगी। मेरा जीमेल अब क्रिएट हो चुका है, अब मैं जीमेल में जाऊंगी। जीमेल आपके पास भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही बन के आएगा।
उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर से गूगल में जाना है और जीमेल लिखना है, ठीक है। आपको गूगल में लिखना है, अभी वो मैं भी बताने जा रही हूँ, वो भी मैं बताऊंगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप कि कैसे जीमेल से आपको मेल भेजना और जीमेल के अदर फंक्शंस भी, अभी हमने सीख लिया जीमेल में अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये था बहुत ही इजी प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट में चालू करूंगी मेल कैसे भेजते हैं। तो हमने सीखा कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हमारे सामने ये जीमेल का पेज ओपन होके आया है, आपके मोबाइल में भी ये खुल के आएगा। अगर आपके पास जीमेल ऐप है तो उसमें जो जीमेल आईडी लॉगिन बनाया है उसको लॉगिन करें पासवर्ड डाल के, या फिर सिंपली गूगल में साइन इन करके लिखें। जैसे साइन इन करके लिखेंगे ये अपने आप खुल जाएगा आपके मोबाइल में, या तो आपको साइन इन पेज में जाके जो मैंने जीमेल अकाउंट बनाया था जीमेल आईडी उसको लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स मतलब यहाँ पे आपको मेल आए हुए होते हैं, वो मेल्स है ये, गेट जीमेल फ्रॉम मोबाइल, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, चेंज प्रोफाइल इमेज, कस्टम योर इनबॉक्स, जो भी है। फिर स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब किसी ईमेल को इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना। सेंड, सेंड का मतलब है जो आप मेल भेजे होते हैं वो यहाँ सेंड पे दिखता है, अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने नहीं भेजा। ड्राफ्ट मतलब किसी को सेव करके रख लेना। मोर में जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्पैम, स्पैम का मतलब जो मैसेज सही नहीं है, अनऑर्थोडाइज नहीं है, वहां पे वो स्पैम में चले जाते हैं कई बार मेल। ट्रैश, ट्रैश का मतलब जब आपने कोई मेल डिलीट किया तो ट्रैश में जाता, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मेल आपको सोशल, सोशल से देखेंगे तो सबसे पहला मेल जो है जीमेल से आया हुआ रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नहीं आया, अब हम देखते हैं कंपोज, कंपोज मेल में हम जैसे ही जाएंगे हमारे सामने ये न्यू विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको टू, टू का मतलब होता है जिसको मेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब आप किस चीज से रिलेटेड अपना मेल भेज रहे हैं, जैसे कि हम लेटर में लिखते हैं सब्जेक्ट विषय, वो यहाँ पे लिखना है। फिर ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इस स्क्रीन में आपको कुछ भी लिख लेना है, जैसे कि हेलो सर, इट्स नाइस टू मीट यू, आई वांट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कॉलेज, ऐसा लिखेंगे और फ्रॉम अपना नाम लिखेंगे, जैसे सिंपल लेटर लिखते हैं ऐसी ईमेल लिखना होता है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ सेंड पे आएगा, इस सेंड को क्लिक करेंगे तो वो मेल चला जाएगा। तो जैसे ये मेल गया या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, सेंड बॉक्स पे जाके और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये अटैच फाइल का ये ऑप्शन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी चीज हमें भेजनी है वो इससे जा सकती है, जैसे कि पीडीएफ, वीडियो, इमेज, वर्ड की फाइल, पीपीटी, एक्सेल, कुछ भी चीज यहाँ से जा सकती है। जब आपको इस पर्टिकुलर मेल में कुछ अटैच करके भेजना है तब, बस ये होता है सिंपल। और ये अगर मेल, अगर कुछ चीज डिलीट करना है यहाँ से तो डिस्कार्ड ड्राफ्ट लिखा है इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो ये है सिंपल मेल भेजने का प्रोसेस जो बहुत इजी है। तो आपने आज देखा कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेल कैसे भेजते हैं, सेंड बॉक्स कैसे चेक करते हैं, ड्राफ्ट, इन सब के बारे में। अब जीमेल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी होता है, जीमेल अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि अगर आप फेसबुक में अकाउंट बनाना चाहते हो तो उसके पहले आपके पास एक जीमेल होना चाहिए, एक पहले से आईडी होना चाहिए, ओके। तो ये प्रोसेस आप लोगों को शायद समझ में आया होगा जीमेल अकाउंट बनाने का, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता, तो उनके लिए मैं ये वीडियो आज लेके आई हूँ ताकि उन्हें सिंपली मैं बता सकूं हिंदी लैंग्वेज में ही कि वो कैसे जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। वैसे आज के डेट में आप देखे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है,
तो उसमें भी गूगल मीट करके होता है, तो वो यहाँ से आता है। ये देखिए, स्टार्ट अ मीटिंग और ज्वाइन अ मीटिंग, कोई अपना एक नंबर भेजता है, उसमें स्टार्ट अ मीटिंग में क्लिक करके वो नंबर आपको डालना होता है, फिर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये गूगल के कुछ एप्स हैं वो दिखेंगे, लेकिन आपको शायद मोबाइल में नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर से दिखता है, बट इसका अभी कोई यूज नहीं है, बस मैं सिंपली आपको दिखा रही हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरा ये जीमेल अकाउंट बनाने का और मेल भेजने का प्रोसेस समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।